ला 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 A few moments later. तो कैसे मेरे भाई 2020 यार सबके लिए कैसा रहा यार, कैसा नहीं रहा सबको मालूम है, ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं यार। 2021 हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो यार, इसी के लिए हम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये हम लोग कामना करते हैं, ठीक है, ये हम लोग दुआ करते हैं। तो भाई इसी की कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एक एडिटिंग आपके लिए निकाल ली है, तो यार चलो आज की एडिटिंग हम लोग शुरू करते हैं। पहले यार फोटो ऐसी हम लोग फोटो बन चुकी है, तो गाइस मतलब ये यार मतलब इतनी आसान एडिटिंग है, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब आपको बैकग्राउंड पे सिर्फ अपना मॉडल ऐड करना है और जस्ट आपकी बस कुछ फिल्टर अप्लाई करने में हमारी फोटो जो बन जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर आज की एडिटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस आपको फोटो कैसे खिंचानी है आपको पहले ये देखना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ अपने DSLR से या स्मार्टफोन से कैसे भी आप अपनी फोटो को कुछ इस तरह से खिंचा सकते हो, ठीक है। और भाई इतना काम करने के बाद आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना होगा। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो आप ये पुरानी वीडियो को देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलो फिर आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट, तो चलो फिर आज की एडिटिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं अपने पिक्सार्ट वाले ऐप में, जो कि भाई काफ़ी कमाल का काफ़ी डिज़ाइनफुल हमारा ये ऐप है, इससे हम लोग किसी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं आपको मालूम ही है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आपको बस ऐड फोटो में क्लिक करना है और गाइस यहाँ से अपना आपको मॉडल ऐड करना है। देखो मैंने यहाँ से पहले इसको रिमूव कर लिया इसके बैकग्राउंड से, और चलो पहले इसको ठीक से इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपना जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ से कुछ इस तरह का कट करना होगा, यहाँ से जूते से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, शायद आपको नहीं आ रहा है तो मतलब समझ जाओ, ये देखो कुछ इस तरह से आपको रिमूव करना है अपना पैर, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड में सही से इसका जूता बैठ जाए और भाई फोटो भी काफ़ी रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग डन कर देंगे और जाएंगे ऐड फोटो में, जो कि हम लोग हमेशा जाते हैं अपनी हल्का सा कलर करेक्शन या हल्का सा इफेक्ट डालने के लिए। तो यहाँ से पहले इसका कलर हम लोग रखेंगे ऑरेंज में, जो कि काफ़ी कमाल का यहाँ से लगने वाला है गाइस, बस आपको ध्यान से इसको देखना है, जो काफ़ी कमाल का यहाँ से लगने वाला है गाइस, तो बस आपको ध्यान से इसको देखना है। और इसका साइज़ जो मैं यहाँ से कुछ इतना रख रहा हूँ, ठीक है, तो काफ़ी गजब का लगेगा। एंड गाइस आपको यहाँ पर टैप टैप करते आना है, बस यहाँ से इसको हाईलाइट करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कर लेंगे, मतलब बच्चों का काम है ये, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही करना है, और यहाँ से हमारे फ़ोटो में आप आफ्टर बिफोर देख सकते हो कि हमारे फ़ोटो में क्या अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जस्ट ये हम लोगों ने यहाँ से इसकी एडिटिंग करी है कलर वाली। एंड गाइस यहाँ से हम लोग कलर लेंगे अब की बार यहाँ से स्काई ब्लू टाइप का, और गाइज यहाँ से इसको हल्का सा शेड हमको यहाँ से अप्लाई करना होगा, ताकि हमारी फ़ोटो काफ़ी रियलिस्टिक लगे। एंड गाइज कुछ आपको शेड इसके बालों में देना है कि आधा हमारे बैकग्राउंड में आए और भाई आधा हमारे इसके बालों में ऐड हो जाए इसका शेड, ठीक है। तो गाइज इतना काम आपको करना है। एंड गाइज फोटो का ओवरऑल आप इसका देखते हैं कि आफ्टर बिफोर कैसा लगा, यहाँ से हमारी फ़ोटो कैसे बनी, ठीक है। तो गाइज यहाँ से इतना करने में आपको फ़ोटो को डन कर देना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइज अब आपको आना होगा अपने FX वाले टूल पर, जो कि हमारे इफेक्ट के अंदर है, और गाइज यहाँ से हमको वैगनेट डालना है यहीं से, ठीक है। तो जो हम लोग लाइटरूम में एडिटिंग करते हैं तो कुछ वैसे ही हम लोग यहाँ से वैगनेट अप्लाई करना है। तो भाई मैं इसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। तो गाइज यहाँ से वैगनेट में क्लिक करना है और गाइज इसको सही से एडजस्ट करना है, बिल्कुल लाइटरूम की तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ओरिजिनल लगना चाहिए हमारी फ़ोटो, कुछ इतना सही लग रही है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस फ़ोटो को डन कर लेंगे कुछ इतना। एंड गाइज यहाँ से एक चीज़ यहाँ से और डाल लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ से एक वाइब्रेंट नाम का एक मतलब इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे पीछे जाना है तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, और वो हमारा ये है। और गाइज ये जो इफ़ेक्ट है काफ़ी कमाल का है। एंड गाइज इसको पूरा अप्लाई नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई करना है, और कितना करना है आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ यहाँ से 92 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ से हम लोग करेंगे इसकी रिटचिंग, जो कि टूल्स के अंदर हम लोग जाते हैं एडजस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हल्का सा इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे एंड क्लियरिटी को सॉरी कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, या इसके कंट्रास्ट को या थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ठीक है, कुछ इतना अच्छा लगे हमारी फ़ोटो में। और क्लियरिटी को गाइस यहाँ से जितना आपकी फ़ोटो में लगे उतना यहाँ से अप्लाई कर दो, ठीक है। और गाइस यहाँ से सैचुरेशन का मामला जो यहाँ से आता है वो आपको हल्का सा नीचे करना है, मतलब हल्के सा इसको लो में करना है, ताकि हमें फ़ोटो मतलब काफ़ी ओवर एक्सपोज CV एडिटिंग वाली ना लगे। जैसा कि आपको मालूम है CV एडिटिंग का ज़माना जा चुका है, ठीक है। तो भाई कलरफुल यहाँ से बहुत लोग कम करते हैं, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो हमारा हाइलाइट्स का जो पार्ट है
वो थोड़ा सा उभर के आए और यहाँ से शेडो कुछ इतना कर देंगे, ठीक है। तो गाइस इतना आपको करने के बाद अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड गाइस बस इतना आपको करना है, हमारी फोटो यहाँ से पूरी बन जाएगी। तो गाइस आपको ये फोटो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन पे क्लिक कर देना। तो चलिए आपसे मिलता हूँ फिर से किसी अगली भौकाली वाली वीडियो में।